नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। छपरा के सारण में बाढ़ के हालात को देखते हुए रोटी बैंक के सेवादार बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि रोटी बैंक के सेवादारों की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच एक सप्ताह का राहत किट का वितरण किया गया है। देखिए, सारण में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए छपरा की अग्रणी पंक्ति में शामिल और सत्य निष्ठा और समर्पण के आधार पर कार्य करने वाली सामाजिक संस्था ऑल इंडिया रोटी बैंक और सेवा समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में रोटी बैंक के सेवादारों की ओर से जोमेटो और संकल्प एक प्रयास से प्राप्त बाढ़ राहत किट को बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण किया गया। बताते चले कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि अब तक किसी स्तर पर कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। हम लोग पूर्णतः उपेक्षित है और इस विनाशकारी विपदा में जीने को विवश है। हर समय एक भय का माहौल बना रहता है। जहरीले कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे कि माहौल और भयानक हो जाता है। लेकिन आज छपरा की समाज सेवी संस्था ऑल इंडिया रोटी बैंक की ओर से वृहद स्तर पर हम ग्रामीणों के बीच प्रत्येक परिवार के लिए सूखा भोजन का राहत किट, जिसमें 4 किलो चूड़ा, 2 किलो फरुही, 1 बड़ा पैकेट बिस्किट, 1 बड़ा पैकेट मिक्सचर, बच्चों के पीने के लिए दूध पाउडर और 1 साबुन उपलब्ध कराया गया। इस किट को पाकर ग्रामीणों में कुछ समय के लिए ही सही उनके चेहरे पर एक सुकून का भाव देखने को मिला। इस राहत किट में प्रत्येक परिवार को तकरीबन 1 सप्ताह का सूखा भोजन उपलब्ध था, जिसे पाकर सभी लोग खुश थे और संतोष का भाव प्रकट कर रहे थे। ऑल इंडिया रोटी बैंक के संस्थापक अध्यक्ष रविशंकर उपाध्याय और सेवा समर्पण वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव सत्येंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि ये जो राहत किट है वो जोमेटो फंडिंग इंडिया और संकल्प एक प्रयास के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए अभी फिलहाल 450 राहत किट ऑल इंडिया रोटी बैंक को उपलब्ध कराया गया है। आगे और भी किट उपलब्ध कराया जाएगा। वही बाढ़ ने सारण में विकराल रूप धारण कर रखा है और लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है और आए दिन एक नए गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है, जिसको देखते हुए इस मुहिम को वृहद स्तर पर चलाने की जरूरत है। और यही सोचकर संकल्प एक प्रयास ने ऑल इंडिया रोटी बैंक को राहत किट उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जरूरतमंदों के बीच में पहुंचते हैं। हमारी रोटी बैंक का मुख्य कार्य है भोजन वितरण, और भोजन वितरण के दौरान हम लोग वैसे भी लोगों को सहयोग करते हैं। जो किसी पहले ले लो बाबा, अरे पहले ले लो, बोले लो किसी में है वैसे लोगों को भी हम लोग सहयोग करते हैं और देख सकते। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।